अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट न्यूज़ HD चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकन को ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलें। T20 क्रिकेट का आगाज साल 2006 से हुआ। आज की इस खास वीडियो में हम साल 2006 से अब तक इंडिया टीम के तमाम T20 कैप्टन्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया टीम के T20 कैप्टन्स की फुल लिस्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमने लाइक जरूर करें। नंबर 1 वरिंदर सहवाग साल 2006 में इंडिया टीम के कैप्टन बने। वरिंदर सहवाग की कैप्टनशिप में इंडिया ने एक मैच खेला और एक मैच जीता। नंबर 2 एम एस धोनी साल 2007 से साल 2016 तक इंडिया टीम के कैप्टन बने। एम एस धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया ने 72 मैच खेले, 41 मैच जीते और 28 मैच हारे। एक मैच टाई हुआ और 2 मैच नो रिजल्ट पर खत्म हुए। नंबर 3 सुरेश रैना साल 2010 से साल 2011 तक इंडिया टीम के कैप्टन बने। सुरेश रैना की कैप्टनशिप में इंडिया ने 3 मैच खेले और 3 मैच जीते। नंबर 4 अजिंक्य रहाणे साल 2015 में इंडिया टीम के कैप्टन बने। अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप में इंडिया ने 2 मैच खेले, 1 मैच जीता और 1 मैच हारा। नंबर 5 विराट कोहली साल 2017 से साल 2021 तक इंडिया टीम के कैप्टन बने। विराट कोहली की कैप्टनशिप में इंडिया ने 50 मैच खेले, 30 मैच जीते और 16 मैच हारे। 2 मैच टाई हुए, 2 मैच नो रिजल्ट पर खत्म हुए। नंबर 6 रोहित शर्मा साल 2017 से साल 2022 तक इंडिया टीम के कैप्टन बने। रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में इंडिया ने 28 मैच खेले, 24 मैच जीते और 4 मैच हारे। नंबर 7 शिखर धवन साल 2021 में इंडिया टीम के कैप्टन बने। शिखर धवन की कैप्टनशिप में इंडिया ने 3 मैच खेले, 1 मैच जीता, 2 मैच हारे। नंबर 8 ऋषभ पंत साल 2022 में इंडिया टीम के कैप्टन बने। ऋषभ पंत की कैप्टनशिप में इंडिया ने 5 मैच खेले, 2 मैच जीते, 2 मैच हारे और 1 मैच नो रिजल्ट पर खत्म हुआ। नंबर 9 हार्दिक पांड्या साल 2022 में इंडिया टीम के कैप्टन बने। तो इन तमाम कैप्टन में से आपके फेवरेट कैप्टन कौन से, अपनी रायगा कमेंट में जरूर करें। और इस वीडियो से थैंक्स फॉर वॉचिंग।